हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे गोल बेस्ड एजेंट के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट और मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स का जो काम होता है वो ये होता है कि एनवायरनमेंट में जो चल रहा है उसको परसीव करना और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, मतलब एक्शन परफॉर्म करना। और जो हमारा गोल बेस्ड एजेंट है उसका तो मेन काम यही होता है कि जो हमारा मेन गोल है वहाँ तक पहुँचना, या जो टास्क कम्प्लीट करना है उसे हम कितने शॉर्ट स्टेप में पूरा कर सकते हैं। इसका मेन फोकस होता है कम्प्लीशन ऑफ गोल, मतलब गोल को कंप्लीट करना, और यह एक्सपेंशन है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का। मतलब कह सकते हैं कि यह मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट काम करता है करंट परसेप्शन प्लस हिस्ट्री के बेसिस पर। लेकिन गोल बेस्ड एजेंट में पैरेलली एक और चीज़ है, वो है गोल, मतलब जो आपका आउटपुट है। यहाँ पर इनपुट आपको अप्रोच करनी है और यहाँ पर आपको आउटपुट भी पता है। तो जहाँ पर इनपुट और आउटपुट आपको दोनों पता हो उसको कहते हैं हम सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो यह एक तरीके से सुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल है, जिसमें आपको गोल स्टेट ऑलरेडी पता है और आप अपने माइंड में गोल स्टेट को पैरेलली लेकर चल रहे हो। और यही ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टीज हैं। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, वो अपने करंट सिनेरियो को देखते हैं और पास्ट हिस्ट्री को यूज़ करते हैं, और गोल क्या है, मुझे कहाँ पर पहुँचना है और कैसे पहुँचना है, इसकी पूरी तैयारी जो है वो करते हैं। और ये जो पूरी की पूरी टेक्निक है गोल बेस्ड एजेंट की, वो बेस्ड है सर्चिंग और प्लानिंग पर। और यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा चीज़ इंटेलिजेंट एजेंट को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, डेट इज़ प्लानिंग, मतलब गोल कंप्लीट करने के लिए उनको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल रूबिक्स क्यू, सपोज आप रूबिक्स क्यू को सॉल्व करने की सोच रहे हो तो आपको पता है कि उसका आउटपुट क्या होगा। तो अब आपको रूबिक्स क्यू का करंट सिनेरियो पता है और आपको पास्ट हिस्ट्री भी पता है। पास्ट में हो सकता है कि आपने कभी ना कभी उसे अरेंज किया हो, तो आपके पास एक नॉलेज बेस बना हुआ होगा कि आपने पास्ट में उसे कैसे कैसे अरेंज किया था। लेकिन अब आपका जो गोल स्टेट है उस पर पहुंचने के लिए आपको पहले उसे सेंसर्स के थ्रू परसीव करना होगा, और फिर उसके लिए शॉर्ट स्टेप्स सर्च करने होंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी होगी। ये चीज़ें जो हैं वो गोल बेस्ड का मेन पर्पस हैं, डेट इज़ अ सर्चिंग एंड प्लानिंग। तो यहाँ पर हम बात करें गोल बेस्ड एजेंट की, तो वही हमारे पास एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट से सबसे पहले सेंसर्स ने कुछ सेंस किया, कुछ परसेप्ट किया, देन व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, मतलब करंट सिचुएशन क्या है, अब हमारे पास आती है उस स्टेट को हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेव कर लेते हैं और उसको रिलेट करते हैं हिस्ट्री से, मतलब हिस्ट्री में कभी ऐसी सिचुएशन हुई थी, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, मतलब पास्ट का पूरा सिनेरियो देखा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास तीसरी चीज़ क्या है, दैट इज़ अ गोल, मतलब आपका हर स्टेप आपको गोल के नज़दीक लेकर जा रहा है या नहीं। अगर लेकर जा रहा है तो एजेंट एक्चुएटर की हेल्प से एक्शन परफॉर्म करेंगे। इसी पॉइंट के बेसिस पर गोल बेस्ड एजेंट काम करते हैं। तो इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो अमेज़न ने बहुत सारे इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाए हैं, लेकिन आपने अलीबाबा कंपनी का नाम तो सुना होगा। तो उन्होंने एक जी प्लस करके रोबोट बनाया है जो ऑटोमेटिक डिलीवरी करते हैं,
पार्सल्स की घरों में जाकर। अभी वो टेस्टिंग फेज में चल रहे हैं, लेकिन जी प्लस रोबोट्स जो हैं वो एक कोल बेस्ड एजेंट का ही एग्जांपल है। इससे अगले वीडियो में हम यूटिलिटी बेस्ड एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।